हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है यहाँ पे सक्षम 2019 के बारे में। देखो, सक्षम की फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। सक्षम का यहाँ पे मतलब है संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संरक्षण क्षमता जो महोत्सव है वो है सक्षम 2019। देखो, ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है किसका, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का, पीसीआरए। देखो, पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसके बारे में हम देखते हैं, फिर सारा कंटेक्स्ट हमें अच्छे से क्लियर है वो समझ में आएगा। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1978 में रजिस्टर है वो किया गया था, और यह काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये काम क्या करता है, देखो यह एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो यह नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी है, और इसका काम यह होता है कि हमारे देश में जो एनर्जी एफिशिएंसी है वेरियस सेक्टर में उसको लेके प्रमोट करता है। देखो, अगर और भी हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि जो ऑयल कंजर्वेशन हुआ, इसके साथ ही नेशनल मूवमेंट्स वगैरह, इनमें यह फोकस है वो करता है। देखो, हमारे देश का आपको पता है कि एनर्जी सिक्योरिटी है वो बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड है वो करती है, मतलब इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मैक्सिमम जो ऑयल वगैरह है वो बाहर से इंपोर्ट है वो करता है। तो ये क्या करता है, ये लोगों में अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाता है जगह जगह पे, इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है ताकि फ्यूल एफिशिएंट इक्विपमेंट है वो तैयार किए जाए, डिवाइसेस ऐसे हों जो फ्यूल को कम से कम यूज है वो करें और अच्छी एफिशिएंसी उनसे मिल सके। जिस तरीके से जो आपको पता है कि 5th जनरेशन का फ्यूल है वो आया है, उसमें कम एक तरीके से एयर पोल्यूशन है वो होगा, तो वो इसी की रिसर्च का एक परिणाम है। मतलब ये रिसर्च को प्रमोट करता है ताकि हमारे देश में जो फ्यूल एफिशिएंट इक्विपमेंट है उनको डेवलप किया जाए, और इसी के साथ एक थिंक टैंक के तौर पर भी काम करता है। देखो, थिंक टैंक का काम क्या होता है, थिंक टैंक है वो बेसिकली एक रिसर्च वगैरह पॉलिसी वगैरह बनाने में हेल्प है वो करते हैं, मतलब ये जगह जगह सर्वे कंडक्ट करते हैं, पॉलिसी बनाने के लिए जो इनका डाटा है उनका यूज किया जाता है। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो देखो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद अपना सर्वे क्रिएट कर सके, क्योंकि आपको पता है कि सर्वे अगर क्रिएट किया जाता है तो काफी बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करना होता है और काफी टाइम लगता है और काफी कंज्यूमिंग वो प्रोसीजर होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट है वो काफी सारी एजेंसियों का सर्वे का जो आंकड़ा है डाटा है उसको यूज करती है और फिर पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट है या पॉलिसी है वो बनाती है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी काफी हेल्पफुल है ये रहेगा। इसके साथ ही हमारे देश में जो ऑयल डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे उसको भी कम करने में यह काफी एक हेल्पफुल एक तरीके से टूल साबित हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर यह अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा तो लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भाई वो एनर्जी है उसको कंजर्व करें और कम से कम फ्यूल जैसी चीज़ों को यूज़ करें ताकि एनर्जी को बचाया जा सके और हमारे देश की जो ऑयल डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पे वो कम से कम हो सके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो सक्षम है वो एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है किसका, एफसीआरए, और एफसीआरए का काम, सॉरी पीसीआरए, और पीसीआरए का काम क्या है कि हमारे देश में जो पीपल सेंटर की एक्टिविटीज़ हैं उनकी हेल्प से फ्यूल कंजर्वेशन को प्रमोट करना, मतलब लोगों को अलर्ट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना कि भैया आप फ्यूल का यूज़ है वो कम से कम करें, ये हेल्थ के लिए अगर आप ज़्यादा फ्यूल यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएगा। जगह जगह पर नुक्कड़ जो अभियान है उनके थ्रू लोगों को अवेयर है वो किया जाता है। तो ये था सक्षम 2019। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी को लेके। देखो, संगीत नाटक एकेडमी है, कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये आया है कि एक इवेंट चलाया गया था कि वेब कैंपेन जिसका नाम है, यहाँ पे आप देखिए, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सांझी मुझ में कलाकार, ये एक इवेंट चला गया है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, तो इसी को लेकर भी कंटेक्स्ट है वो आया है। तो पहले तो हम संगीत नाटक एकेडमी के बारे में देखते हैं, फिर इस इवेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, संगीत नाटक एकेडमी है वो 31 मई 1952 को, मतलब हमारे देश में आजादी के बाद इसको डेवलप है, इसको निर्माण है वो किया गया था, और यह एक इंडिया की नेशनल एकेडमी है जो कि म्यूजिक हुआ, डांस हुआ और ड्रामा हुआ इनके लिए काम है वो करती है। मतलब हमारे देश में म्यूजिक, डांस और ड्रामा के लिए जो एकेडमी है उसका नाम है नेशनल संगीत नाटक एकेडमी, और यह बात करनी है इंडिया की पहली एकेडमी है आजादी के बाद। क्यों, क्योंकि 1952 में इसको बनाया गया। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई आजादी से पहले वगैरह बनाई गई है टीसीटीसी, तो हमें थोड़ा फेक ध्यान में रखना है। इसी के साथ यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, और इसको जो फंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, और इस फंड का फिर डिफरेंट स्कीम वगैरह में यूज है वो किया जाता है।
क्योंकि यार डिफरेंट स्कीम वगैरह चलाती है और उनकी हेल्प से अपने जो इवेंट्स वगैरह हैं उनको कोऑर्डिनेट मैनेज है वो करती हैं। इसके साथ ही एक नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसी की, जिसका काम क्या होता है, जो इंटेलिजिबल जो कल्चर हेरिटेज साइट है यूनेस्को की एनजीओ की है वो, इसके साथ हमारे देश की जो अदर साइट्स जो कि यूनेस्को के अंडर तो नहीं है बट हमारे देश के लिए नेशनल इंपोर्टेंस के लिए ज़रूरत है उनकी, उन साइट को भी जो डाइवर्सिटी है कल्चर डाइवर्सिटी उसको प्रमोट करती है। इसके साथ ही जो कल्चरल ट्रेडिशंस है इनको प्रमोट है वो यहाँ पे किया जाता है। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, तो पहले तो हमें जानते हैं कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का मतलब क्या होता है। देखो इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, मतलब जो काफी अपने आप में एक अहम हो, काफी यूनिक चीज हो, उसके बाद यहाँ पे की गई है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब ये हो गया कि वो विरासत जो हमें हमारी परंपराएं जो हमारे पूर्वजों के थ्रू से हमें मिली है, जैसे हमारे जो वंशज हैं उनके द्वारा दी गई है। जिस तरीके से हम बात करें कि कोई भी कला हुई, आर्ट हुई, या फिर कोई ट्रेडिशन, कोई परंपरा हुई, या फिर कोई सामाजिक प्रथा हुई जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, या फिर कोई अनुष्ठान हुआ, या फिर कोई उत्सव, कोई फेस्टिवल हुआ, या फिर किसी तरह का कोई नॉलेज हो, या फिर प्रकृति और ब्रह्मांड का कोई ऐसा ज्ञान हो जो कि मतलब हमें हमारे पूर्वजों से हम काफी पुराने टाइम से चला हुआ है, वो चीज जाती है इंटेंजिबल हेरिटेज में। तो यूपीएससी देखो एक तरीके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है वो फिजिकल रूप में एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिकल का मतलब तो होगा जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह हो या फिर कोई नेशनल मॉन्यूमेंट वगैरह ऐसी चीज होगी। तो इंटेंजिबल में क्या होता है, वो चीजें आ जाती हैं जो कि हमारे पूर्वजों से प्रथा वगैरह, परंपराएं वगैरह, ये चीजें। तो यह वर्ड ध्यान में रखना है कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है वो क्या होती है। अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या था कि सांझी मुझ में कला का जो एक वेब कैंपेन चला गया है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, ये इसलिए चला गया है ताकि हमारे देश में जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया इनको प्रमोट किया जाए, इसके साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको हमारे देश में और ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाए और लोगों के बीच में अवेयरनेस है उसको प्रमोट किया जाए, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाएंगे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है फर्स्ट ह्यूमन राइट टीवी चैनल। देखो इन वर्ल्ड का पहला जो ह्यूमन राइट टीवी चैनल है वो स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे बात करें लंदन में। तो यह ध्यान में रखना है वर्ल्ड का पहला टीवी चैनल है जो कि ह्यूमन राइट्स को डेडिकेट करता है और यह लंदन में स्टार्ट है वो किया गया है। किसके द्वारा यह स्टार्ट किया गया है, IOHR यानी कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, देखो ये एक तरह का टीवी चैनल है जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में जो ऑडियंस है उनको अलर्ट करेगा और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसमें बेसिकली 20 कंट्री शामिल की गई हैं अभी, यूरोप, लैटिन अमेरिका और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे शामिल है वो किया गया है। तो एक छोटी सी न्यूज यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सिक्स सिटी मोमेंटम इंडेक्स। देखो है क्या मोमेंटम इंडेक्स, यह देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट, यह रिलीज किसके द्वारा किया गया, तो यह रिलीज किया गया JLL यानी कि जॉन स्लैंग सालई के द्वारा। तो यह है क्या इसके बारे में देखते हैं कि मोन्यूमेंट सॉरी जो मोमेंटम इंडेक्स क्या करता है। देखो मोमेंटम इंडेक्स है वो वर्ल्ड की जो टॉप सिटीज हैं जो कि कॉमर्शियल रूप से एक्टिव हैं उनका लास्ट 3 साल के डाटा के आधार पे उनकी मतलब तरीके से उनकी संख्या को काउंट है वो किया जाता है कि भाई वर्ल्ड की टॉप कौन सी मोस्ट कॉमर्शियल एक्टिव सिटीज हैं लास्ट 3 साल में, उनकी लिस्ट है वो तैयार की गई है, उनके आधार पे इंडेक्स दिया गया जाता है। तो इसमें इंडिया की भी सिटी है, इंडिया की आपको पता है सिलिकॉन वैली है, वो क्या है बेंगलुरु। तो जो इंडिया की बेंगलुरु में जो सिलिकॉन वैली है उसको वर्ल्ड की मोस्ट डायनेमिक सिटी में या हम बात करें यहाँ पे जो 6 सिटी मोन्यूमेंट्स में है इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। तो ये फैक्ट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यानी कि एक्जिम बैंक। देखो एक्जिम बैंक है ये बनाया गया था आज़ादी के बाद और इस बैंक का इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्टेचुरी एक्ट के तहत है वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्जिम बैंक का काम यह है कि हमारे देश में जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको लेकर जो भी एक तरीके से ट्रांजेक्शन वगैरह करने हैं वो एक्जिम बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब इंडिया को जैसे कोई चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करनी है तो वो एक्जिम बैंक के थ्रू उनका पेमेंट है वो किया जाता है। अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट आयात कर रहा है तो वो भी इसके थ्रू, और एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो भी एक्जिम बैंक के थ्रू ही किया जाता है। तो यह देखो अभी कंटेक्स्ट यह है कि जो यूनियन कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उन्होंने 6,000 करोड़ की कैपिटल असिस्टेंट है सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया है एक्सपोर्ट एक्जिम बैंक को। क्यों, ताकि हमारे देश में जो एक्जिम बैंक है वो अपने कार्य प्रणाली को और ज़्यादा दक्ष या इम्प्रूव कर सकें और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ा मतलब एफिशियंसी आ सकें और जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर सकें। तो यह ध्यान रखना कि 6,000 जो करोड़ रुपए दिए जाएंगे वो एक्जिम बैंक को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि एक्जिम बैंक अपनी जो बिजनेस एरिया है दायरा है उसको बढ़ाया जा सके और रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के तहत ये पैसा इनको दिया जाएगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि इसको जो पैसा वो दिया जाएगा रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के तहत 6,000 करोड़ का, ये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 4,500 और 1,500 करोड़ ये तो कुछ खास नहीं है।
यह ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एग्जिम बैंक जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है इसको 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ कर दिया है। तो यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकती हैं कि एग्जिम बैंक जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 10,000 करोड़ रुपए है, तो जी ऐसा नहीं है, अब इसको बढ़ा के 20,000 करोड़ कर दिया गया है। देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है अधिकृत पूंजी, यानी कि वो पूंजी वो अधिकतम राशि जिसके लिए किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी किए सकते हैं। मतलब एग्जिम बैंक है वो मैक्सिमम अब 20,000 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड है, एक तरीके से शेयर है, वो जारी कर सकता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ऑफ कंपनी है इसके अधिकृत पूंजी, इसमें ऑथोराइज जो कैपिटल होती है इसके बारे में मेंशन किया होता है ताकि भविष्य में इसका यूज है वो किया जा सके। मतलब जब कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है उसमें चीज के बारे में क्लियर किया जाता है कि भाई इस कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटल जिससे ज्यादा कंपनी है वो शेयर वगैरह या मार्केट में बॉन्ड वगैरह रिलीज नहीं कर सकती। जैसे मानो कि किसी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होगी 100 रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी 100 रुपए से ज्यादा के बॉन्ड वगैरह इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम उसके बॉन्ड की जो अमाउंट हो जाएगी वो 100 तक ही होगी। ऐसा नहीं कि वो 110 रुपए की बॉन्ड जारी कर दे, पॉसिबल नहीं है। उसको 100 रुपए तक के बॉन्ड है वो जारी करने को मिलेंगे। ये लिमिट बाद में चेंज की जा सकती है, बट उसके लिए प्रॉपर उसमें चेंजेस है वो करने होते हैं। तो ये कंटेक्स्ट है जो हमने यहां पे डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे आया है वेदरिंग के बारे में। देखो तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि इन्फ्लुएंस द वेदरिंग, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इन्फ्लुएंस द वेदरिंग प्रोसेस, मतलब अपक्षय प्रणाली में कौन कौन चीजों का इन्फ्लुएंस है वो होता है। यानी यहाँ पे पूछा गया आपसे कि अपक्षय जो प्रणाली प्रोसेस होती है इसमें कौन कौन सी चीजों का इफेक्ट है और कारक है वो इसमें हेल्पफुल होते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है ओवर बर्डन प्रेशर, दूसरा ये कहा गया कि एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, तीसरा ऑप्शन दिया गया कि वाटर प्रेशर बाई वेटिंग एंड ड्राइंग। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हम बात करें तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? क्योंकि जो अपक्षय है मतलब जो टूट फूट की यहाँ पे बात की जा रही है उसके लिए तीनों ही चीज़ें प्रभावित करती हैं। ओवर बर्डन प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो उसकी वजह से भी चीज़ें वो टूट जाती हैं, चट्टान वगैरह रॉक्स वगैरह हुई। इसके साथ ही जैसे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जैसे कि सर्दियों में चट्टानें सिकुड़ जाती हैं, गर्मियों में फैलती हैं, तो उसकी वजह से भी फोर्स लगता है और वो चट्टानें हैं वो अपक्षय टूट जाती हैं। तो ये भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन भी सही है कि अगर चट्टानें गीली होंगी और अगर सूखेंगी तो बार बार गीला होना सूखे होने से भी वो चट्टानें टूटती हैं और एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है पानी का, तो मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है FSSAI के बारे में कि देखो FSSAI ने एक प्रोग्राम चलाया गया था अभी कुछ टाइम पहले जिसका नाम था ट्रांसफेट। तो इसके बारे में आपको पूछा गया है कि जो नॉन ट्रांसफेट फूड प्रोडक्ट है उनके बारे में पूछा गया है। तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए और आपको पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट एनिमल फैट या ऑयल्स, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द ऑयल दैट यूज आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और द कंज्यूमर्स। तो ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखो हम बात करें यहाँ पे भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि ट्रांसफेट क्या होती है। देखो ट्रांसफेट का मतलब हम बोल सकते हैं कृत्रिम वसा या फिर ट्रांसफेटी एसिड। देखो जब भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोसीजर होती है तो उसके दौरान जो फैट या जो वसा बनाई जाती है, मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से जो वसा बनाई जाती है, फैट बनाई जाती है, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफेट के नाम से जानते हैं। और ये देखो है इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। जिस तरीके से हम बात करें जो वनस्पति घी या जो डालडा होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसफेट का ही एग्जाम्पल है। तो वनस्पति तेल है उनमें हाइड्रोजन होते हैं और यह ध्यान रखना कि यह हाइड्रोजनिक जो ऑयल होता है ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी होता है और ये नॉर्मली जो फूड प्रोसेस जो फूड होता है इसके अंदर यूज किया जाता है, फास्ट फूड में भी इसका यूज है वो किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हेल्थ के लिए होता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो क्वेश्चन यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। क्वेश्चन यह है कि कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और आपको यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि इंडिविजुअल मार्केट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये आपको दिया गया कैरेक्टरिस्टिक है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इशू है वो भी एक लार्ज स्केल में है, वो भी एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क है। तो देखो ये थी हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।